रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सड़क घोटाले मामले में लालू यादव समेत 16 लोगों की सजा का ऐलान कर दिया है। लालू यादव को 3.5 साल की सजा दी गई है और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देश की लगातार गिरती जीडीपी को लेकर उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जीडीपी को सकल विभाजनकारी राजनीति का नाम दिया है। योगी सरकार में किसान बदहाल और परेशान है। आलू का सही दाम नहीं मिलने के विरोध में किसान पूरी रात मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और राजभवन के बाहर आलू फेंकते रहे। इस दौरान सड़कों पर लाखों क्विंटल आलू जमा हो गया। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। इसे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया है।